ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती यार देखो किसी और के साथ। तो आज मैंने पता है स्मृति के साथ मैं वीडियो देखते हुए चुप 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 गुस्सा आता है मेरे को। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव राठी। तो भाई आज आपके लेके आऊंगी नई वीडियो। आज की वीडियो भाई बहुत खास होने वाली है क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी से पिछले एक दो हफ्ते से नहीं मिला, क्योंकि यार मैं घूमने जा रखा था। तो इसका फायदा उठा के बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सोचा, अब करते हैं उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला। क्या समझ जाओ तुम क्या करेंगे, बस आ जाओ वेट करो मेरे साथ। सच बोलो तो मुंह की खाते जाते। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या है? एक क्या है? क्या एक तो तुम बाहर चले गए घूमने के लिए, मुझे बताया भी नहीं तुमने। बताता तो तू जाने देती। अरे बैठना। क्या बताया था? बताता तो जाने देती। पहली बात तो इधर बैठ। यार मुझे भी जाना था तुम्हारे साथ, बता तो तुम एटलीस्ट। और मैं कहीं भी जाऊँ, पार्टी भी जाती हूँ तो मैं बता के जाती हूँ। मेरी बात सुन, भाइयों ने कसम दी थी इसलिए गया था मेरी जान। अच्छा भाई भाई और जान जान कुछ नहीं? भाई भी तो जान है ना। यू हर्टिंग मी इनसाइड बार बार। कोई नहीं, अपना ऐसे ठंडा है। हाँ ठीक है। क्यों नहीं आएगा तेरा मन करे तेरे दोस्तों के साथ? यार पता है एक बात बता, चल तूने कॉल नहीं करा, जब मैंने तेरे को कॉल करा तू ना फोन उठा रही, फोन काट रही, इतना गुस्सा? यार गुस्से की बात नहीं यार, वो तो तुम्हें तो पता ही है, हर लड़की की प्रॉब्लम होती है। मतलब पीरियड्स नहीं, पीरियड्स नहीं हो रहे यार, पीरियड्स नहीं हो रहे। अरे यार वो एक्चुअली ना पापा का ना पेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो ना बाहर ना काम पे जा पाते हैं ना कुछ खा पाते हैं। अब वो निकलते नहीं है ताकि मैं तुमसे बात बात करूँ, कॉल करूँ, घंटे लगी रहूँ हमारी प्यारी मोहब्बत की। क्या हो गया बोलते ना नाउ तो है अंकल को? क्या हो गया प्लीज मुझे बता तो सकती है? अरे यार वो ना लाइक उनको हॉस्पिटल वगैरह भी लेके जाना। मतलब ऐसा क्या हो गया? अरे वो बोल रहे उनको लाइक खाना हॉस्पिटल ले जाने की पेट में दिक्कत हो रही है ना। हाँ, खाना वाना भी नहीं खा पा रहे सही से। एक लपड़ खिंचा के मारेंगे बता रहे हैं। हमको क्या मारोगे? सही है तुम तो मेरे टोन में। अबे पागल, अभी हम घूमने गए थे मसूरी तो अंकित को भी ये दिक्कत हो गई थी। मैंने अपनी वीडियोस में भी बता रखा है जब पेट सफा के बारे में, यू नो इट वेरी वेल, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और इन सब की जो भी लक्षण होते पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी यार, उसके लिए पेट सफा है, गैस बन जाए, हर चीज़ के लिए है एक सॉल्यूशन। ऊपर से आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, और टैबलेट भी आती है, चूरन भी आता है, दोनों में से कुछ भी चीज़ खिला देती, एटलीस्ट मुझे फ़ोन कर लेती, फ़ोन फूंक लेती मेरे तक। पापा के लिए ही बता रहा हूँ, बोल दे जमाई राजा ने बोला था। अबे यार हद कर रही यार, तू बता नहीं सकती थी? अच्छा तुमने तो सॉरी नहीं बोला ना। मेरी बात सुन, मजाक छट के पूरी बात सुन। देख अगर पेट में दर्द हो या कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, एसिडिटी हो, कुछ भी हो, पेट सफा हर रोग दफा, ठीक है? और बिल्कुल आयुर्वेदिक चीज़ों से मिलके बना है भाई। एक बात बता यार तेरे को सिंपल से, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है तेरे पे यार, प्यार तो आ ही रहा है। मैं गुस्सा हूँ तुमसे पहले मेरे को पूरी बातें समझाने दे पहले। पूरी बातें ये हैं कि भाई एक तो ढंग की चीज़ें खिलाया करो, आयुर्वेदिक चीज़ें खिलाया करो, ठीक है? और रोज़ चूरन दिया कर अगर दिक्कत होती है तो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और ना मुँह में चिपकेगा, नॉन स्टिक ही है, ठीक है? और सेंधा काला नमक, सेना नमक, अजवाइन जैसी चीज़ों से मिलके बना है। इतनी सारी चीज़ें मैं तो नाम भी नहीं सुने, पहली बार सुन रही हूँ। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो मेरे को गुस्सा आ रहा ना अब यार, हद है। मैं दुनिया को बताता हूँ फिर तुम तेरे को नहीं पता। तुम मुझे छोड़, तुमने ट्रिप के बारे में भी नहीं बताया। अरे हाँ ठीक है, ट्रिप से याद आया यार एक बात। सीरियस एक तो जब हम यहाँ बैठ रहे हैं जहाज को तभी जाना होता है, ये हमें लिए जाना चाहता है। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, कहीं तारे वारे नहीं होते, यही है तारे। हाँ, तारे तारे बोल के ओए ले जाते हैं। अच्छा अब हंसा रही है। ट्रिप बताओ, ट्रिप बताओ, ट्रिप बताओ।
ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा यार, मतलब लास्ट डे लास्ट से एक दिन पहले हम दो दिन मसूरी में रुके थे, उसके बाद जो दूसरा दिन मसूरी में था उस दिन मतलब हम सब ने ड्रिंक वगैरह कर ली, कुछ ज़्यादा ड्रिंक हो गई थी। तो देख मैं तेरे को सच सच बता रहा हूँ, मैं तेरे से झूठ नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी मैंने, फर्स्ट टाइम करी थी, ऊपर से ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद उन मतलब मैं उन सब के साथ एक लड़की के साथ मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया, ठीक है, सब बात ही है। अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रो चुका हूँ। मैं कहाँ रो रही हूँ, पागल है, पागल है यार। सुन देख मैंने तेरे को सच बता दिया, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। यार मैं नशे में था, मैंने नहीं सोचा था, सोचने की हिम्मत ही नहीं थी, बाद में जब देखा था तो बस। मुझसे हो गई गलती। क्या गलती होगी यार, क्या गलती होगी, चिल्ला नहीं रही, क्या गलती होगी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। चुप, क्या करूं, रो ही सकती हूँ ना, जो मैं खुद रो रहा हूँ ना, मेरी आंखें दिख रही हैं, होगी ना गलती मुझसे, छोड़ देगी मुझे, मैं क्यों छोड़ देगी मुझे, मैं क्यों छोड़ूंगी तुम्हें, क्यों छोड़ूंगी, बट एटलीस्ट होगी ना मुझसे गलती, बोल तो रहा हूँ यार। तो ये साले बेंच मनुष्य है, तो तू एक बार भी मेरा मतलब तेरे ऊपर यार, मेरे को मैं सच बताऊं तेरे ऊपर प्रैंक करने बंद कर दूं। क्या प्रैंक था ये, प्रैंक था तेरे ऊपर प्रैंक करने बंद कर दूं। हर बार रो देती यार तू, ऐसे प्रैंक कौन करता है, तू और क्या करूं, ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी पब्लिक भी मुझे क्या बोलूं, वही बोलते होंगे ना, तू यार रो इतनी जल्दी जाती है, जिनका दिल साफ होता है ना अपनी तारीफ खुद ही कर लेती है तो लड़की। हाँ तो क्या, हमें भी आंसू आते हैं, बुराई करने के लिए जमाना बैठा है, इसलिए करनी पड़ती है अपनी तारीफ। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा तारीफ, अपनी तारीफ इतनी मत करा, तारीफ नहीं यार, धीरे धीरे ऐसे 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 प्रैंक मत करा कर यार प्लीज, क्या बोलूं मतलब, तो कैसे करूं, तेरे को पहले से बता दूंगी ये वाला प्रैंक करूंगा, ये वाला एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती यार तेरे को किसी और के साथ, आज मैंने पता स्मृति के साथ मैं वीडियो देखते हुए चुप 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 गुस्सा आता है मेरे को। कैमरे पे सब देख रहे हैं, तू हक कर रही है मुझे, थामना मुझे लगा। हाँ राखी जी आप तो बहुत बड़े प्रैंक स्टार हो ना, तो कैमरा क्यों नहीं लगाओगे आप, कैमरा क्यों नहीं लगाओगे आप, बता मुझे भी रोना यार, तू रो है दुनिया की, ऐसे सिखा सकता हूँ मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब ऑडियंस को क्या बोले हम, रिवेंज प्रैंक तो मिलूंगी। अरे यार ये लाइन मत बोला कर, क्यों ना, क्यों रिवेंज, अरे पब्लिक खुद चाहती है, नहीं वो कमेंट करके बता देंगे, चुप 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 चुप, मैं तुम्हारी इशू ठीक है, चुप, मैं उनकी भी तो भाभी लगती हूँ ना, उनकी भी तो कुछ हूँ ना, क्या पता कोई लड़की हो वो मेरे को क्यों, मैं उसको क्यों बहन बनाऊं, अच्छा, क्या पता मेरे दोस्तों को भी अच्छी है भाई, अच्छा ये बात है ना, अच्छा कमेंट करके बताना भाई वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और हाँ भाई रिवेंज प्रैंक, भाई तुम्हारे भाई का व्लॉग आएगा पहला, ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखना शेयर करना, तुम्हारे भाई का भले ही थोड़ा अच्छा ना बना हो, पता नहीं यार कैसा बना है, मुझे तो उम्मीद है मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बनाया, शायद तुम्हें पसंद आए, तो भाई प्यार दिखाना पहले पे, तभी दूसरा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, रिवेंज के साथ, जय हिंद जय भारत बोल पहले, जय हिंद जय भारत, ओके आँख नहीं मार, हाँ ठीक है।